तृतीय महत्वपूर्ण निर्णय जो प्रत्येक वित्तीय प्रबंध को करना पड़ता है वह है लाभांश के वितरण का निर्णय। लाभांश लाभ का वह अंश होता है जो अंशधारियों में वितरित किया जाता है। इस निर्णय में यह निश्चित किया जाता है कि अर्जित लाभ का कितना भाग अंशधारियों में लाभ के रूप में वितरित कर दिया जाए तथा लाभ का कितना भाग फर्म में प्रतिधारित उपार्जन के रूप में पुनर्विनियोजनात रखा जाए, यानी लाभ का कितना हिस्सा बांट दिया जाए और कितना हिस्सा कंपनी के लिए रखा जाए ताकि विनियोग की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यद्यपि लाभांश वर्तमान आय का स्रोतक है जो प्रतिधारित उपार्जन का पुनर्विनियोजन फर्म की भविष्य में आय में वृद्धि करने में सहायक, प्रतिधारित उपार्जन की सीमा फर्म के वित्तीय निर्णय को प्रभावित करती है। जब फर्म को प्रतिधारित उपार्जन के पुनर्निवेश की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितना कि प्रतिधारित उपार्जन की मात्रा कंपनी में उपलब्ध है तो लाभांश के वितरण से संबंधित निर्णय करते समय अंशधारियों की संपत्ति को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कहता है कि जब कंपनी को उतने पैसे की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी उसके पास लाभ का ज्यादा हिस्सा होता है तो लाभ का ज्यादा हिस्सा किसके बीच बांटा जाना चाहिए, जो अंशधारी है कंपनी के उनके बीच बांटा जाना चाहिए। अंशधारी मैंने जो हाँ जो शेयर रखा हुआ है जो शेयर उस कंपनी का खरीदा हुआ हो। चलिए लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक उपाय। कथा लाभांशों का भुगतान वर्तमान एवं भूतकालीन उपार्जनों में से किया जाता है अतः लाभांश संबंधी निर्णय लेते समय उपार्जन एक मुख्य निर्धारक तत्व है। कहता है क्या कि जब हम लाभांश का भुगतान करेंगे तो वर्तमान में और पहले क्या आमदनी आया है इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कहता है यदि अन्य बातें समान रहे तो एक कंपनी जिसकी उपार्जन क्षमता अस्थायी है तो वह अधिक लाभांश घोषित कर सकती है, इसके विपरीत यदि कंपनी की उपार्जन अस्थिर है तो वह कम लाभांश देगी। ज्यादा आय है तो ज्यादा लाभांश, कम आय है तो कम लाभांश। लाभांश का स्थायी यह देखने में आया है कि प्रायः कंपनियां अंश अंश लाभांश स्थितीकरण की नीति अपनाती है। लाभांश की मात्रा में वृद्धि सामान्यतया तभी की जाती है जब अधिक लाभ उपार्जन की संभावनाएं क्या हो प्रबल होती तथा वह संभावना भी केवल चालू वर्ष की ही नहीं बल्कि भविष्य में भी चलती रहनी चाहिए। दूसरे शब्दों में अंशों पर लाभांशों को तब तक नहीं बढ़ाया जाता जब तक कि उपार्जन में वृद्धि बहुत अधिक ना हो। जब वृद्धि थोड़ी हो तो यह अस्थायी प्रकृति को हो तो लाभांश में वृद्धि प्रायः नहीं की जाती। अगर ज्यादा लाभांश लगातार आ रहा है तभी लाभ का हिस्सा बढ़ते हैं, नहीं तो लाभ का हिस्सा नहीं बढ़ता। समवृद्धि सुयोग जो कंपनियां विकास उन्मुख होती है अर्थात जिन कंपनियों में समवृद्धि सुयोग होती है वे अधिक धन अपनी प्रतिधारित राशि में कंपनी में ही क्या करती है रख लेती है, यानी ज्यादा पैसा वो अपने पास रख लेते हैं, कम हिस्सा बढ़ती है ताकि आवश्यकता अनुसार कंपनी में निवेश किया जा सके। शेयर बाजार प्रतिक्रिया निवेशक लाभांश में वृद्धि को एक सुखद सूचना के रूप में लेते हैं तथा शेयर बाजार को कीमतों की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक होती है। ठीक उसी प्रकार लाभांश की मात्रा में कमी होने से अंशों के मूल्यों पर शेयर बाजार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अतः प्रबंध द्वारा लाभांश नीति निर्धारण में समता अंश मूल्य पर संभावित प्रभाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है। यानी कहता है शेयर बाजार में जब ज्यादा लाभांश होता है तो शेयर बाजार में उसका गुडविल क्या होता है ज्यादा बढ़ता है, इससे उसको ज्यादा ऋण मिलता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है प्रणव? प्रणव यस सर आ रहा है समझ में। बड़ी तथा प्रतिष्ठित कंपनियों की पूंजी बाजार तक पहुंच क्या होती है बहुत ही आसान होती है अतः कंपनी के विकास के लिए हुए वित्त के लिए प्रतिधारित उपार्जन पर कम निर्भर रहती है। ये कंपनी अपने अंशधारियों की अपेक्षा अधिक लाभांश का भुगतान करते हैं उन कंपनियों से जो आकार में छोटी होती है और जिनकी पहुंच पूंजी बाजार तक कम होती है। जिन कंपनियों की पूंजी बाजार तक पहुंच होती है वो पैसा पूंजी बाजार से ही ले लेते हैं इसलिए वो इस लाभांश पर कम निर्भर रहते हैं, तो इस लाभांश का ज्यादा हिस्सा वो किसको बांटते हैं अंशधारियों को। कानूनी बाध्यता कहता कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधान लाभांश भुगतान पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। लाभांश घोषणा के समय ऐसे प्रावधानों का निश्चित रूप से पालन किया जाना, कुछ नियम कानून भी लाभांश को बांटने का, इन सब नियम कानून का पालन होना चाहिए। संविदात्मक प्रतिबंध जब किसी कंपनी को ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति मिलती है तो ऋणदाता कंपनी पर भविष्य में लाभांश भुगतान पर कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं तो कंपनियों से यह आशा की जाती है कि वे इस बात का आश्वासन दें कि लाभांश भुगतान संबंधी ऋण की शर्तों का पालन किया जाएगा तथा किसी प्रकार का उल्लंघन, यानी जब कंपनी किसी से ऋण लेती है तो वो कुछ समय के लिए उसके लाभांश के वितरण पर क्या कर देता है रोक लगा देता है, तो कंपनी को इस बात को क्या करना चाहिए मानना चाहिए और जब तक ऋण पूरा नहीं हो जाए ऋण चुका नहीं दे तब तक लाभांश का वितरण। चलिए कोई कुछ पूछना है इनमें किन्हीं को? हरिओम तनु
गौरव आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें लाभांश वितरण और लाभांश वितरण से संबंधित निर्णय। दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक या कारक, तो चार पांच को कारक है, आप कोई दो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं को? नो सर। वित्तीय नियोजन, वित्तीय नियोजन से मतलब संगठन के भविष्य प्रचालन से संबंधित के साथ क्या तैयार करना है, वित्तीय ब्लूप्रिंट तैयार करना। वित्तीय नियोजन क्या, संगठन के वित्तीय नियोजन का उद्देश्य उचित समय पर पर्याप्त निधि सुलभ कराने का आश्वासन होता है। यदि पर्याप्त मात्रा में निधि उपलब्ध नहीं होती है तो फर्म अपने वायदों से पूरा नहीं कर पाएगा और व्यवसाय को चला नहीं पाएगा। दूसरी ओर यदि विधि की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो तो अनावश्यक रूप से लागत में क्या होगी, वृद्धि होगी और अपव्यय भी होगा। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय नियोजन न तो वित्तीय प्रबंध के समतुल्य है न ही उसका स्थानापन्न। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य सर्वोत्तम निवेश का चुनाव करना और वित्तीय विकल्पों पर उससे मिलने वाले लाभों और उन पर आने वाली लागत पर क्या करना है, फोकस करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य अंशधारियों की संपत्ति में क्या करना है, यानी वित्तीय नियोजन का मतलब निवेश के लिए जितनी वित्त की आवश्यकता है उतने वित्त की क्या करना, पूरा करना। और जब निवेश करेंगे तो उस पर जो उचित रूप से आय आएगी तो क्या क्या आय आएगा इस बात का क्या करना ध्यान, ये क्या कहलाते हैं, वित्तीय नियोजन। क्लियर सर? वित्त का मींस, वित्त का मींस पैसा सर, निधि मतलब निधियों मतलब संपत्ति एसेट, निधि का मतलब संपत्ति या एसेट। संपत्ति जनरली हम लोग पैसे से मानते हैं, कैपिटल से। देखते हैं हम लोग कि वित्तीय नियोजन का क्या क्या उद्देश्य होता है। पहला, निधियों की आवश्यकता अनुसार की उपलब्धि का क्या देना, आश्वासन। यानी अलग अलग निवेश करेंगे या अलग अलग प्रोजेक्ट होगा तो उसमें अलग अलग पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, उस सब पैसे की व्यवस्था करना किसका काम है, वित्तीय नियोजन का पहला उद्देश्य। क्लियर, ये समझ में आया? कहता है इसका तात्पर्य निधियों का विभिन्न उद्देश्यों की आवश्यकता अनुसार अनुमान लगाना है, जैसे दीर्घकालीन संपत्ति का क्रय करने के लिए या व्यवसाय की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि समय का अनुमान लगा जाए जिस समय यह निधियां उपलब्ध होगी। वित्तीय नियोजन इन निधियों के संभावित स्रोतों को क्या करता है, स्पष्ट करता है, चाहे दीर्घकालीन खर्च के लिए या अल्पकालीन खर्च के लिए। पैसे की क्या होती है, आवश्यकता होती है, यह आवश्यकता कौन पूरा करेगा, वित्तीय नियोजन पूरा करेगा। चलिए, यह देखना कि फर्म संसाधनों में अनावश्यक रूप से वृद्धि नहीं करता। निधि अधिक सदैव अनुचित है, ठीक उसी प्रकार जैसे अनुपयुक्त निधि कर। यद्यपि कुछ धन अधिक मात्रा में हो सकता है, अच्छी वित्तीय योजना इसको अच्छे से अच्छे उपयोग में ला सकती है ताकि वित्तीय संसाधनों को बिना उपयोग के न छोड़ा जाए तथा अनावश्यक रूप से लागत न जोड़ा जाए। कहता है आवश्यकता से अधिक पैसा अगर हो जाएगा तो आवश्यकता से अधिक लागत भी लगेगा और लागत लगेगा इसका मतलब नुकसान होगा। तो कहता है ना ही पैसा कम होना चाहिए ना ही पैसा, थोड़ा बहुत पैसा भविष्य के लिए ज्यादा हो सकता है लेकिन आवश्यकता से अधिक पैसा होगा तो अनावश्यक रूप से वो क्या हो जाएगा, खर्च। क्लियर? चलिए, वित्तीय नियोजन दोनों प्रकार का होता है, अल्पकालीन भी और दीर्घकालीन भी। क्लियर? अल्पकालीन नियोजन के अंतर्गत क्या आता है, अल्पकालीन वित्तीय योजना आती है जिसे क्या कहते हैं, बजट भी कहते हैं। प्रारूपिक वित्तीय नियोजन कितने वर्ष का हो सकता है, 3 से 5 वर्ष का हो सकता है। ऐसी योजनाएं जो 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्लियर? चलिए, कथा किसी भी व्यावसायिक इकाई के समग्र नियोजन का वित्तीय नियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका लक्ष्य कंपनी कोष की उपलब्धता के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अनिश्चितता का सामना करने के योग्य बनाना है ना। वित्तीय नियोजन के महत्व को निम्न से समझा जा सकता है। पहले, इसका यह प्रयत्न होता है कि यह पहले से ही बतला दिया जाए कि भविष्य में विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों में क्या घटित हो सकता है, वे स्वयं काम करके फर्म की सहायता करते हैं। दूसरे शब्दों में यह फर्म को भविष्य की परेशानियों से सामना करने के लिए क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। वित्तीय नियोजन यह होगा कि किस समय कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और किस समय कौन व्यावसायिक कार्य होगा, इसकी व्यवस्था करना किसका उद्देश्य है, वित्तीय नियोजन का क्या है। यह
व्यावसायिक आकस्मिक परेशानियों, आकस्मिक परेशानी मैंने कभी भी कोई परेशानी व्यवसाय को हो सकती है, तो उसमें तथा विस्मय से बचने में क्या सहायता करती है और भविष्य निर्माण में सहायक। क्या अगर बढ़िया से फंड रहता है तो किसी नए तरह का प्रोजेक्ट आता है कंपनी तुरंत उसको एडिट को कर लेगी, उससे उसको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। वित्तीय प्रबंध में कार्य की विस्तृत योजना तैयार करके अपव्यय को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यह वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। यह निवेश तथा वित्तीय निर्णयों में क्या करता है, संपर्क स्थापित करना, निवेश और उससे संबंधित वित्तीय निर्णय, यानी किस में निवेश करना और किस में निवेश नहीं करना। चलिए आगे आते हैं हम लोग पूंजी संरचना। वित्तीय प्रबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय वित्तीय प्रारूप से संबंधित है अथवा निधियों को बढ़ाने के विभिन्न स्रोतों के अनुपयोग का उपयोग। कहता है व्यावसायिक वित्त के स्रोतों को दो वर्गों में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, स्वामीगत निधि या उधार निधि। यानी स्वामीगत निधि जो व्यवसायी खुद का पैसा लगाता है और उधार निधि जो वह उधार लेता है। कहता है पूंजी संरचना दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि पूंजी संरचना किसे कहते हैं, तो पूंजी संरचना से मतलब स्वामीगत तथा ग्रहित ऋण के किससे है, मिश्रण से। यानी कितना स्वामी का ऋण होगा और कितना उधारी वाला ऋण होगा, इसी अनुपात को क्या कहते हैं, पूंजी संरचना। चलिए प्रणव, प्रणव यस सर, क्या होगा पूंजी संरचना, स्वामी का ऋण और उधार ऋण का जो रेशियो होता है वही। हाँ, ना स्वामी का ऋण और उधार ऋण का जो रेशियो होगा वही क्या कहेगा, पूंजी संरचना। तथा फर्म के दृष्टिकोण से ऋण तथा समता दोनों की लागत तथा जोखिम में अंतर होता है। एक फर्म में समता की अपेक्षा ऋण की लागत कम होती है क्योंकि उधारदाता का जोखिम अंशधारियों के जोखिम से क्या होता है, कम होता है। उधारदाता एक निश्चित राशि ब्याज के रूप में पाते हैं और एक निश्चित समय को उन्हें उपरांत निवेशित राशि का भी भुगतान प्राप्त हो जाता है, अतः उनकी आय की मांग निम्न दर की होती है। इसके अतिरिक्त ऋणों पर भुगतान किया गया ब्याज कर के रूप में देनदारी में से कम किया जाता है, जबकि लाभांश का भुगतान लाभ में से कर को घटाने के बाद शेष लाभ में से किया। यानी अगर हम कर्ज लिए हैं और तब लाभ हुआ है तो पहले कर्ज वाला जो ब्याज रेट है उसको पहले घटा देते हैं, तब जो राशि बचता है उसी को लाभांश के रूप में क्या करते हैं। क्लियर। एक व्यवसाय के लिए ऋण सस्ता होता है लेकिन अधिक जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि ऋण पर ब्याज तथा मूल राशि का भुगतान निश्चित रूप से व्यवसाय को करना ही पड़ेगा। इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की चूक व्यवसाय को दिवालिया क्या कर सकती है। समता की दशा में ऐसी कोई बात नहीं होती, अतः समता पूंजी को व्यवसाय के से जोखिम रहित समझा जाता है। ऋणों का अधिक उपयोग एक व्यवसाय का अस्थायी व्यय क्या करता है, बढ़ाता। ऋण का उपयोग अस्थायी व्यय को, क्योंकि ऋण पर तो कर्ज क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा और एक निश्चित समय के बाद उसका मूलधन भी देना पड़ेगा, इसलिए ऋण क्या है, ज्यादा जोखिम वाला है, समता पूंजी कम जोखिम। समता का मीन्स होता है जो पैसा हम लोग लाते हैं बाहर से पूंजी अंश के द्वारा, शेयर डिवेंचर के द्वारा, उसमें शेयर बेच करके, उस पर उतना जोखिम नहीं है क्योंकि लॉस होगा तो शेयर धारक को भी लॉस सहना पड़ेगा। लेकिन ऋण के मामले में ऐसी कोई बात, ऋण होगा तो जो आपको कर्जा दिया उसको आपके लॉस होने से कोई मतलब नहीं, उसको पैसा चाहिए, तो हो सकता है आपका निजी संपत्ति बेच करके भी देना पड़े तो दीजिएगा। इसलिए क्या है, ज्यादा जोखिम पूर्ण क्या, ऋण लेना, और समता वाला कम जोखिम पूर्ण। क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद ये दो जो टॉपिक है ये एपीएस में भी है, ये हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले घटक, ये दोनों पढ़ाएंगे कहां पर, एपीएस में, रोकड़ प्रवाह स्थिति और ब्याज आवरण अनुपात। ये आपको अकाउंट में भी ये मिलेगा, अकाउंटिंग में भी ये टर्म दोनों आपको मिलेगा, तो आपको सर बढ़िया समझा देंगे या हम जब आपको ईपीएस पढ़ाएंगे तो इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। जिनका ईपीएस ने उनका एक दिन स्पेशल क्लास करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो कुछ बेसिक चीज है ना वो ईपीएस में, पहले वो बेसिक चीज पढ़ेंगे तब इनको डील कर सकते हैं, यानी ये जो नियम कानून है इसको डील कर सकते हैं। क्या क्या करें, जो बताइए। हाँ, स्पेशली कर देंगे तो क्लियर रहेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन इसे पूछता ही पूछता, तो टेम्पररी में निकाल देंगे तो दिक्कत होगा, एक दिन स्पेशली इसी वो कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत। बीएसटी जो भी है उनके लिए तो कॉमन है ना, क्या, तो जिस दिन एपीएस का क्लास होगा उसका वीडियो सब लोगों को मिल जाएगा, ये तो हो सकता है ना।
क्या जिनका ईपीएस है उनका जिस दिन क्लास करेंगे आपको वीडियो क्लास मिल जाएगा क्या, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद बचा आपका स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, लगभग लास्ट टॉपिक है, उसको आज खत्म देख लेते हैं हम लोग का स्थायी पूंजी, इसको रहने दें, देख लेते हैं क्या। चलिए अस्थाई पूंजी, चलिए प्रत्येक व्यवसाय को निधि की क्या होती है, आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यवसाय को किसकी आवश्यकता होती है, निधि की आवश्यकता, ये निधि यानी संपत्ति की आवश्यकता होती है, किसकी, संपत्तियों को क्रय करने और क्रियाओं के संचालन के लिए। कंपनी को अस्थाई संपत्ति तथा चालू संपत्तियों में निवेश करने की आवश्यकता होती है। अस्थाई संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो व्यवसाय में एक वर्ष से अधिक समय के लिए होती है और लंबे समय तक कार्यान्वित रहती है। अस्थाई संपत्ति कैसा संपत्ति, जो व्यवसाय में एक वर्ष से ज्यादा समय तक रहता है और क्या होता है, लंबे समय तक कार्य करते रहता है, वैसे संपत्ति को कैसी संपत्ति कहते हैं, अस्थाई संपत्ति। उदाहरण के तौर पर संयंत्र, मशीन, फर्नीचर, भूमि, भवन इत्यादि क्या है, अस्थाई संपत्ति। अस्थाई संपत्तियों में निवेश का निर्णय बहुत सोच विचार के बाद लेना चाहिए, क्योंकि अस्थाई संपत्ति में निवेश किया हुआ धन बड़ी भारी मात्रा में होता है। इस प्रकार के निर्णय अटल अथवा अपरिवर्तनीय प्रकृति के होते हैं और यदि परिवर्तन किया जाता है तो बड़ी भारी हानि उठानी पड़ सकती है। इस प्रकार के निर्णयों को पूंजी बजटिंग निर्णय के नाम से जाना जाता है। चालू संपत्तियां वे होती है जो व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों में एक वर्ष के अंदर ही रोकर या रोकर तुल में परिवर्तित हो जाती है, जैसे स्कंद, देनदार, प्राप्य बिल। यानी अस्थाई संपत्ति वैसी संपत्ति जो एक समय से ज्यादा, एक साल से ज्यादा समय तक रहती है और व्यवसाय में ज्यादा समय तक यूज की जा सकती है। चालू संपत्ति वैसी संपत्ति जो एक साल के अंदर ही रहती है और कम समय के लिए उपयोग की जाए। अस्थाई संपत्ति में निवेश के लिए फैसला क्या होता है, सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि ये इसमें बहुत भारी धनराशि शामिल होती है। अस्थाई पूंजी का प्रबंध कस्ता, अस्थाई पूंजी से आशय दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेश से है। अस्थाई पूंजी व्यवस्था में फर्म की पूंजी का विभिन्न प्रकार की परियोजना में आवंटन किया जाता है अथवा उस प्रकार की जाती है कि पूंजी क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसलिए इन निर्णयों को लेने से पहले, चलिए, ऐसी संपत्तियों में लगाया जाता है जो व्यवसाय में क्या होती है, लंबे समय तक उपयोग में आती है। इसलिए इन निर्णयों को किस नाम से पुकारा जाता है, निवेश निर्णय के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी संपत्तियों के लिए वित्त व्यवस्था भी पूंजी के दीर्घकालीन स्रोत हो, जैसे समता या पूर्वाधिकार अंश, दीर्घकालीन ऋण, व्यवसाय की प्रतिधारित उपार्जन से की जाती है। अस्थायी संपत्तियों का वित्त प्रबंधन कभी भी अल्पकालीन स्रोतों से नहीं किया जाता। चलिए कहता है क्या क्या महत्वपूर्ण है। दीर्घकालीन विकास तथा प्रभाव, ये निर्णय दीर्घकालीन विकास के लिए लिए जाते हैं। दीर्घकालीन संपत्तियों में निधि के निवेश से भविष्य में क्या होती है, आमदनी होती है, जिस आशा पर यह निवेश किया जाता है। ये व्यवसाय भविष्य की संभावना और प्रत्याशाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस निधि की बड़ी मात्रा अल्पित होती है। इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप पूंजी कोष का एक बड़ा भारी भाग इन दीर्घकालीन परियोजनाओं में निवेश करने से क्या हो जाता है, अविचल हो जाता है, अर्थात पूंजी क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसलिए इन निर्णयों को लेने से पहले इनका विस्तृत विश्लेषण कर लेना चाहिए। कहता है कि दीर्घकालीन में जब हम पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत भारी पूंजी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो स्थिर हो जाता है। जैसे भवन बनाए तो 50 लाख का भवन बनाए तो 50 लाख रुपए क्या हो गया, स्थिर हो गया, उस 50 लाख का कोई उपयोग नहीं कर पाए। तो इसलिए इस सब जो निर्णय लेते हैं इसमें, जैसे कोई गाड़ी खरीदे, 5 लाख का कोई गाड़ी खरीदे तो पैसा तो फिक्स हो गया, वो पैसा तो वहीं स्थिर हो गया। तो कहता है इसलिए सब निर्णय में सोच समझ के स्थाप लेना, जोखिम का लाभ थोड़ा। अस्थायी पूंजी में निवेश की भारी मात्रा होती है इसलिए इसमें जोखिम भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जोखिम भी ज्यादा होता है। अनुक्रमणीय, यदि निर्णय एक ऐसे एक बार ले लिया जाए तो उन्हें बिना भारी हानि के बदला नहीं जा सकता है। एक के बार निर्णय ले लेंगे तो बहुत भारी हानि हो सकता है, इसलिए सोच समझ के उसका निर्णय लेना चाहिए। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक, व्यवसाय की प्रकृति, जैसा व्यवसाय का प्रकृति होगा वैसा अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। व्यवसाय की प्रकृति क्षणिक होगी तो
ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और व्यवसाय की प्रकृति ज्यादा समय तक चलने वाली होगी तो कम इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे लोहा का व्यवसाय करें और शीशा का व्यवसाय करें, तो लोहा का व्यवसाय करेंगे एक बार कर देंगे तो बहुत समय तक उसको रख सकते हैं, लेकिन शीशा वाला क्या है बहुत धीरे करना पड़ेगा। अतः स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करती है। एक व्यापारिक कंपनी की स्थायी संपत्ति में निवेश की आवश्यकता एक निर्णायक संगठन की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि उस संयंत्र तथा मशीनें आदि क्रय करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई संगठन है जो खाली सर्विस देता है तो उसको मशीन खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई संस्था जो सामान बनाती है उसको तो मशीन खरीदने की जरूरत पड़ेगी, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें कम इन्वेस्टमेंट ना। कोई आदमी रेस्टोरेंट खोले और कोई आदमी पान का दुकान खोले तो रेस्टोरेंट खोलने में उसको ज्यादा होगा, क्योंकि उसको बहुत सारा संपत्ति भी फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, मशीन वशीन करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा क्या। लेकिन पान का दुकान देखो कटघारों में हो सकता है, तो जैसा प्रकृति रहेगा वैसा आवश्यकता पड़ेगा। संक्रिया का मापदंड कहता है एक बृहद आकार वाला संगठन जो बड़े स्तर पर संचालित है जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता है उसके लिए ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी, जो कम आकार में उसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होगी। तकनीक का विकल्प कहता है कुछ पूंजी प्रधान होते हैं कुछ श्रम प्रधान होते हैं। पूंजी प्रधान संगठनों में संयंत्र और मशीनों के क्रय करने के लिए भारी आवश्यकता निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें मानवीय श्रम कम होता है। ऐसे उद्योगों में अस्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरी ओर श्रम प्रधान संगठनों में अस्थायी संपत्ति में निवेश की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि उसकी अस्थायी पूंजी की आवश्यकता भी क्या होती है कम होती है। मशीन से काम करेंगे तो ज्यादा मशीन खरीदना पड़ेगा, इसका मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आदमी से काम करेंगे इसका मतलब कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, यानी पूंजी तकनीक से करेंगे तो ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ेगी, श्रम तकनीक का करेंगे तो कम पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। साधारण बात, क्योंकि श्रमिकों को अदला बदली भी कर सकते हैं ना, हो सकता है आज 5 गो श्रमिक रहे, कल 2 गो रहेगा, परसों 7 गो हो सकता है, लेकिन जब अस्थायी पूंजी में मशीन खरीदेंगे तो उसका तो एक आदमी काम करेगा तब यूज करेंगे, 100 आदमी काम करेगा तब यूज। तकनीकी उत्थान कहता कभी कभी कोई कंपनी क्या होती है ऐसे तकनीक का यूज करती है जो तुरंत तुरंत बदल जाता है, तो ऐसा जो तुरंत तुरंत बदल जाएगा तकनीक तो उसके लिए ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अब तकनीक तुरंत बदल जाएगा तो हमको फिर से नया तकनीक वाला मशीन क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा, अगर आप पुराने तकनीक पर काम करते हैं तो फिर आपको नुकसान होगा। तो ऐसे संगठन जिसमें जो तकनीकी पर निर्भर है तो जैसे जैसे तकनीक बदलेगा उसको तकनीक अपने आप को भी क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा, तो इसलिए उसको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। विकास प्रत्याशा कहता है बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो अधिक विकास कर सकती है, जैसे मोबाइल वाला कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी उसमें तुरंत तुरंत विकास होते रहता है, उन लोगों को ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी ना। और ऐसी कंपनी जैसे किराना दुकान तो सामान्यतः वैसे ही चलता रहेगा, उसमें जल्दी विकास का संभावना या विकास का भी संभावना है तो आइटम ज्यादा बढ़ाना अगर वो चाहे आइटम बढ़ाना चाहेगा वो तो उसके लिए उसको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल बात ना, आप लोगों को समझ में आया ये सारा पॉइंट खुशबू? चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में इन्हें कौन चलिए अभी वो लास्ट टॉपिक बच गया है जिसको हम लोग करिए लेते हैं क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक में? कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी वैसी पूंजी होती है जिसका उपयोग किस लिए पड़ता है, दैनिक संचालन की क्रियाओं में, यानी दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए जब पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, वो कार्यशील पूंजी कहलाता है। कहता है कि ये संपत्तियां व्यवसाय को क्या प्रदान करती है, तरलता प्रदान करती है। वे संपत्तियां अधिक तरल माने जाती है जो मूल्य में किसी प्रकार की कटौती के बिना रोकर में शीघ्र अतिशीघ्र परिवर्तित हो जाए। क्लियर, ये समझ में आया? चालू दायित्व से मतलब उन दायित्वों से है जो एक वर्ष के अंदर ही तब बनते हैं और जब बनते हैं तभी भुगतान पाने के अधिकारी होते हैं, यानी चालू संपत्ति वो होता है चालू दायित्व जब एक वर्ष के अंदर ही उस दायित्व को क्या करना पड़ेगा पूरा करना पड़ेगा। कार्यशील पूंजी को कौन कौन स्थापित करता है, व्यवसाय की प्रकृति कहता है कि एक व्यापारिक संगठन को जहां केवल माल का क्रय और विक्रय ही होता है कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, अपेक्षाकृत ऐसा संगठन के जहां कच्चा माल क्रय करके उसका उपभोक्ता वस्तु के निर्माण में किया जाता है। कहता है ऐसा जगह जहां पर खाली खरीद बिक्री होता है वहां कम जरूरी पड़ेगा, और ऐसा जगह जहां पर उसको खरीदा भी जाता है बनाया भी जाता है वहां ज्यादा किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। कार्यशील पूंजी का मतलब रोज रोज के खर्च के लिए, तो जहां खाली खरीदा बेचा जाता है वहां कम पैसा का आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन जहां सारा काम होता है वहां ज्यादा पैसे का आवश्यकता पड़ेगा। संचालन का स्तर, ऐसे व्यवसाय जिसका संचालन बहुत ही कम स्तर का है यानी जिसका संचालन छोटे स्तर का है उनको कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जिसका संचालन बड़े स्तर का उसको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता, जो छोटा स्टॉक रखता है उसको कम पैसा का जरूरत पड़ेगा, और न अर्थात जिसका
व्यापार ऊंचे स्तर का है उसको अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, और जिसका व्यवसाय छोटे स्तर का उसको कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। क्या व्यवसाय चक्र कहता है? क्या व्यापार उत्कर्ष के समय बिक्री और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है, अतः अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब व्यवसाय का समय रहता है, बिक्री का समय सीजन रहता है, तो ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जब सीजन नहीं रहता है तो कम कार्यशील पूंजी। जैसे ऊन वाला सबको, अब उसका सीजन शुरू होगा तो उसको ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, और वही जून जुलाई के मौसम में कम पूंजी, क्योंकि उसका सीजन नहीं है। क्लियर? मौसमी कारण वही है। जब मौसमी कारण माने क्या, जब मौसम चढ़ता है यानी उसका सीजन आएगा तो ज्यादा, जैसे क्या है कि जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री, मौसम के चरम पर उस क्या होता है, जब उसकी क्रिया अधिक गतिशील होती है तो अधिक कार्यशील पूंजी, जैसे कि अप्रैल मई जून सब में आइसक्रीम का बिक्री खूब होता है तो ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी ना, और क्या होता है, और जब उसका मौसम गिरना शुरू होगा तो कम पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मौसम गिरना शुरू होगा तो कम डिमांड होगा। सिंपल उत्पादन चक्र कहता है, उत्पादन चक्र से मतलब है कच्चे माल की प्राप्ति और उस माल को पक्के माल में परिवर्तित करने के समय अंतर। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें कच्चा माल आया तो तुरंत उसको तैयार कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बनते हैं जो कच्चा माल आता है तो कुछ समय उसको रखना पड़ता है फिर उससे तैयार माल होता है। तो ऐसे उत्पाद जो तुरंत आए और तुरंत बनेंगे उसमें कम पूंजी की आवश्यकता पड़ेगा, और ऐसे माल जो आए फिर उसको कच्चा माल रखेंगे फिर उससे पक्का बनेगा तो ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। साधारण बात ना, बहुत ऐसे उत्पाद होते हैं जो आए और तुरंत बन गए, और बहुत ऐसे उत्पाद होते हैं जो पहले आता है कच्चा माल फिर कुछ दिन उसको रखना पड़ता है फिर जाके बनता है। चलिए उधार विक्रय सुनना। कहता विभिन्न कंपनियां अपने ग्राहकों का विभिन्न प्रकार की उधार की शर्तों पर माल बेचते हैं, यह सब प्रतियोगिता स्तर पर निर्भर करता है तथा ग्राहक वर्ग की योग्यता के अनुसार भी उधार दिया जाता है। एक उद्यम उधार नीति अपनाने के लिए अपने देनदारों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या करती है, अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी ना। उधार क्रय सुविधा, जब कोई फर्म अपने ग्राहकों को उधार माल बेचती है तो उसे उधार क्रय का माल भी मिल जाता है। जितना अधिक कोई कंपनी उधार माल क्रय करेगी उतने ही कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, जितना उधार माल खरीदेंगे उतने कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम पड़े। कोई कोई व्यवसाय होता है जिसमें हमको उधार माल मिलता है फिर बेच करके उसको पैसा देते हैं, तो जब उधारे माल खरीदना है तो पूंजी की आवश्यकता क्या होगी, कम होगी। उधारी पर मिल ही रहा है तो पूंजी की आवश्यकता क्या होगी, कम होगी। सीधा साधन संचालन कार्य कुशलता कहता है कि अगर एक कंपनी का संचालन अगर कुशल है तो उसको कम पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, और उसका संचालन अगर कुशल नहीं है तो उसको ज्यादा पैसे। बेहतर संचालन अगर है, मैनेजमेंट बढ़िया है, प्रबंध बढ़िया है तो कम पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रबंध खराब है तो ज्यादा पैसे। कच्चे माल की उपलब्धि, यदि कच्चे माल की उपलब्धि आवश्यक वस्तुएं आसानी और सुगमता से उपलब्ध होती है और उसकी आवक में कोई रुकावट नहीं होती है और माल का थोड़ा भी स्टॉक क्या होता है, पर्याप्त होता है। यदि इसके विपरीत माल निर्विघ्न रूप से उपलब्ध नहीं होता है तो माल के भारी स्टॉक की आवश्यकता होगी। तो अगर कच्चा माल सही तरीके से और सही समय पर मिल जाता है तो कम भी स्टॉक रखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन अगर कच्चा माल सही टाइम पर नहीं मिलता तो उसका स्टॉक रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब है ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आसानी से मिल जाता है तो कम स्टॉक रखेंगे तो कोई दिक्कत, जैसे सब्जी सब ऐसा थोड़ी 5-5 किलो खरीद कर रख लेते, मिल जाता है जनरली 1-2 किलो सबके घर में स्टोर रहता है, लेकिन बहुत ऐसे प्रोडक्ट है जो तुरंत नहीं मिलते तो लोग उसका स्टोर कर लेते, जैसे आटा चावल क्या उसका लोग ज्यादा 5-10 किलो का स्टोर करते, लेकिन सब्जी सबको भी देखिए 5-10 किलो रखते, 0.5 किलो 1 किलो रखेंगे तो काम, तो उसमें कम पूंजी की आवश्यकता, क्योंकि 1-1 किलो रोज खरीदना तो कम पूंजी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ऐसे पदार्थ जिनका स्टोर करने की आवश्यकता होती है उनमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता। 9-10 को हो गया आपका चैप्टर नंबर 9 आपका वित्तीय प्रबंध खत्म हो गया। अब 2-3 दिन सर BST का क्लास बंद रहेगा, 2-3 दिन अकाउंटिंग का क्लास चलेगा, अब हम लोग मिलेंगे सोमवार को यानी 5 तारीख, ठीक है। 2-3 दिन आपका BST का क्लास बंद रहेगा क्योंकि हम रहेंगे दरभंगा से बाहर, इसलिए अब आपका BST का क्लास चलेगा सोमवार से चैप्टर नंबर 10, क्लियर। उसके बाद 11-12 यानी 3 चैप्टर इधर बच गया और 2 चैप्टर उधर, 5 चैप्टर आपका BST में।